बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। हमने कल आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात को लेकर के मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन अब वो बात बड़ी हो गई है और उस बात को लेकर के जीतन राम मांझी, जो कि नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने स्वागत करने के साथ साथ इसके कई उदाहरण और कई तर्क भी दिए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राज्य हित में जितनी बार भी पलटी मारना पड़े वो मारा जा सकता है और उसके साथ ही बिहार के हित के लिए जो उचित होगा वो कदम उठाए जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने का जो बयान दिया था उस पर राजनीति अब गर्मा गई है। इस सियासी जंग में अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एंट्री हो गई है और मांझी ने कहा है कि राज्य हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर सत्ता बदलते हैं तो उनका अभिनंदन करूँगा। उन्होंने इसके अलावे और भी कई बातें कही है। कहा है उन्होंने कि 2 और 2 4 होता है ये सब कोई जानते हैं, लेकिन 2 और 2 6 भी होता है ये भी जानना जरूरी है। राजनीति में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगर नीतीश कुमार इधर से उधर की बात करते हैं जाने की, तो इसका मैं स्वागत करूंगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि महामाया बाबू ने भी पाला बदला था। महामाया बाबू ने पाला बदले जाने को कहा था कि जनहित में अगर 100 बार भी सत्ता परिवर्तन की नौबत आए तो मैं करूंगा। मांझी ने इन सारी बातों को लेकर के एक नए विवाद को और नई चर्चा को जन्म दे दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार महागठबंधन को लेकर के दावा किया जा रहा है कि 7 दलों का यह गठबंधन बहुत ही मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मात देगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह की चर्चा हो रही है, उन चर्चाओं में एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस कम हुआ है। और ये कॉन्फिडेंस कब कम हुआ है और ख़ास करके जीतन राम मांझी का भी कॉन्फिडेंस कम हुआ है, जब ये दोनों दिल्ली की यात्रा पर गए हुए थे और दिल्ली की यात्रा करने के बाद विपक्षी दलों से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का ये बयान या फिर प्रशांत किशोर का ये बयान उस समय आना जब 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें तेजस्वी यादव की साख दाव पर लगी हुई है, महागठबंधन की साख दाव पर लगी हुई है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में इस तरह के बयान का आना कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो साथ है, जो साथी हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार को लेकर के अपने बयान दे रहे हैं, वहीं आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार का लगातार पोल खोल रहे हैं। इन सारी बातों के बीच अब नीतीश कुमार के लंबे समय से सहयोगी रहे, हालांकि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच भी 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी का जो कहना है वो स्पष्ट करता है कि अगर बेहतरी के लिए, जनहित के लिए 100 बार भी पाला बदलना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए और परिवर्तन की ज़रूरत है तो नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जीतन राम मांझी के बयान ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को पेशोपेश में जरूर डाल दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव अब इन सब चीज़ों से कैसे निपटते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के बयान को कमतर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी का पता जीतन राम मांझी को आजकल रहता है। ये जान करके आपको भी आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार भले ही ये दावा करते हों कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी के इस दावे ने और इस बयान ने कहीं ना कहीं एक बात तो तय कर दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, जिस तरह से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं था और नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था, अब बारी तेजस्वी यादव की है। वो कैसे महागठबंधन को संभालते हैं और उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या होगा वो नीतीश कुमार पर निर्भर करता है, या फिर कोई नया रास्ता निकाल करके तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट करी 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट करी 9386816700।
8167 00। धन्यवाद।